बीजेपी की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया था। उन्होंने पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल की जमकर सराहना की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी भी दी कि किस तरह से कार्यकारिणी की बैठक में विस्तार से मंथन और चर्चा की गई। एक तरफ समाज कल्याण का संकल्प लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेशों में काम कर रही है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार और वंशवाद से पनपे हुए विपक्षी पार्टियां समाज कल्याण और राष्ट्र को सशक्त करने वाली योजनाओं और कार्यों में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं, इस पर भी विश्लेषण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा। आभार, एक विशेष टिप्पणी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी ने पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ताओं के संदर्भ में किया। राष्ट्र इस बात का साक्षी है कि हमारा कार्यकर्ता बंगाल, केरल में किस प्रकार से मौत के घाट उतारा जाता है। राष्ट्र इस बात का साक्षी है कि हमारा कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में अलगाववाद का सामना राष्ट्रीय संकल्प के साथ भारत के परचम के तले कैसे अपना योगदान देता है। इन तीनों प्रदेशों के कार्यकर्ताओं के शौर्य और बलिदान को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नमन किया।